जी वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर कंडीशंस हैं तो कंडीशंस को तो हम इफ एल्स के अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड अ स्विच स्टेटमेंट। तो देखिये, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं ना, तो अगर हम उन्हें इफ एल्स के अंदर यूज करें तो हमारे पास काफी सारे इफ एल्स आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कोड की रीडेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। कोई और आता है और हमारे कोड को पढ़ता है तो वो समझ नहीं पाता, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जहां पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं वहां पर हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पे काम करेंगे। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेगा और फिर चेक करेगा कि वो कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि वॉवल जो है वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है तो हमें एक स्कैनर क्लास चाहिए, तो यहाँ पर हम एक स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, सिस्टम डॉट इन इस तरह से। अब हमें चाहिए यूजर से एक कैरेक्टर, लेकिन जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो पहले हम उसे एक मैसेज शो कराते हैं ताकि वो समझ सके कि उसने इनपुट क्या करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एस आउट का, और यहाँ पर एक मैसेज लेंगे उससे, एंटर एन अल्फाबेट इस तरह से। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने कैर का यूज करना है क्योंकि हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम वैल्यू, उसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद डॉट कैरेक्टर एड इस तरह से। यहाँ पर जीरो क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स पे इसे स्टोर करना है। इस तरह से हमने क्या किया, यूजर से हमने वैल्यू ले ली इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अब हमने चेक करना है कि वो वॉवल है या नहीं है। ओके, तो यहां पर हम स्विच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे स्विच, उसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हमने मैच करना होता है। ओके, हमने मैच करना है वैल्यू को। अब इसके बाद हमने बनाने होते हैं कुछ केसेस। चलें यहां पर फर्स्ट केस बनाते हैं हम केस। अब इस केस में हमने कुछ वैल्यूज लिखनी है, तो यहां पर क्योंकि मेरे पास कैर वैल्यू है तो मैं सिंगल कोट में वैल्यू लिखूंगा। यहां पर मैं लिखता हूं ए और इसके बाद कॉलन। अब क्या होगा, यहां पर जो वैल्यू मैं यूजर से लूंगा वो आके मैच होगी इस केस के साथ। अगर इस केस के साथ वैल्यू मैच हो जाती है तो यहां पर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहां पर हम एस आउट का यूज करते हैं और यहां पर लिखते हैं यू एंटर्ड अबव इस तरह से। अब इसके बाद हमने लिखना है एक सेकेंड केस, तो यहां पर हम एक और केस यहां पर लिख देते हैं केस, और यहां पर हम लिखते हैं ए ई, और यहां पर कॉलन, और यहां पर हम एस आउट का यूज करेंगे। ओके, और यहां पर मैसेज शो करा देंगे यू एंटर्ड अबव। ओके, हम एक काम करते हैं, हम बाकी तीन के लिए भी बिल्कुल इसी तरह का कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं इस तरह से। अब इसके बाद हम दोबारा से एक और केस क्रिएट करते हैं फॉर आई, उसके बाद कॉलन पेस्ट। इसी तरह से हमें चाहिए एक और केस, केस ओ कॉलन, उसके बाद दोबारा से पेस्ट। इसी तरह से हमें चाहिए एक और केस यू कॉलन, और दोबारा से पेस्ट। अब यहाँ पर ये कोड तो हमारा हो गया, पर इसमें एक मिस्टेक है जो कि मैं चाहता हूँ कि कोड को रन करने के बाद मैं आपको बताऊँ। तो पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ कि होगा क्या। पहले इसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे, फिर इस वैल्यू को हम मैच करेंगे इन सारे केसेस के साथ। जिस केस के साथ वैल्यू मैच होगी उस केस के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले इसे रन करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर किस चीज की कमी है। तो इसे रन करते हैं यहां से। ओके, एंटर एन अल्फाबेट, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल ए, एंटर। तो यहां पर देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या शो हो रहा है, यू एंटर्ड अ वॉवल, यू एंटर्ड अ वॉवल, यू एंटर्ड अ वॉवल। एक काम करते हैं इनको ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, यहां पर ए, ओके, यहां पर ई, और यहां पर यू। ओके, दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ए एंटर करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, यू एंटर्ड अ वॉवल ए, यू एंटर्ड अ वॉवल ई, और इस तरह से सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट पे शो हो रही है। पर होना तो ये चाहिए था कि हमारा केस जो है वो इसके साथ मैच हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट में आनी चाहिए थी।
अब हो क्या रहा है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी आउटपुट में शो हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रेक, ओके, और यहाँ पर हमने यूज करना है सेमी कॉलम का, यहाँ पर आपने कॉलम का यूज नहीं करना। अब क्या होगा, जैसे ये केस मैच होगा ये स्टेटमेंट हमारे आउटपुट में शो होगी और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रेक और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो इस ब्रेक स्टेटमेंट को हमने हर केस के आखिर में लिखना होता है, ये लाजमी है ब्रेक। चलिए दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ओके, एंटर एन अल्फाबेट, अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ ए, एंटर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में मैसेज हो रहा है यू एंटर्ड वॉवल ए। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी एक मसला है, वो क्या है, अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कोई और अल्फाबेट में एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आर, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यूजर को एक मैसेज शो कराएं कि आपने वॉवल एंटर नहीं किया। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं डिफॉल्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं कॉलन का और यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं दिस इज नॉट अ वॉवल, इस तरह से। ओके, अब होगा क्या, हमारे पास जितने भी केसेस हैं हर एक के साथ हम अपनी वैल्यू को मैच करेंगे, अगर इनमें से किसी भी केस के साथ हमारी वैल्यू मैच नहीं होती उस सूरत में ये जो डिफॉल्ट वाला सेक्शन है ये आउटपुट में शो होगा। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं, एंटर एन अल्फाबेट, अब यहाँ पर मैं आर एंटर करता हूँ एंटर, तो देखिए यहाँ पर मैसेज हो रहा है दिस इज नॉट अ वॉवल। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वहां पर आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर कोड लिखा हुआ है और जो भी आकर देखेगा वो समझ लेगा कि यहाँ पर क्या कोड हम लिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, स्विच को मजीद समझने के लिए हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पार्किंग एरिया है, वहां पर डिफरेंट गाड़ियां आती हैं, उसमें से कुछ बसेस हैं, कुछ कार्स हैं, कुछ ट्रक्स हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, तो हर एक से हमने डिफरेंट फी चार्ज करनी है। तो उसके लिए हमने एक कोड लिखना है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इनपुट टाइप लेनी है जो कि स्ट्रिंग होगी, जिसके अंदर उस गाड़ी की टाइप होगी कि वो कार है, मोटरसाइकिल है या बस है। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद हमने यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है। ओके, तो यहाँ पर हम उसे पहले एक मैसेज शो कराएंगे एस आउट का यूज करते हुए और यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर व्हीकल टाइप, इस तरह से। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमने स्ट्रिंग का यूज करते हुए उससे वैल्यू ले लेनी है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर सेट करते हैं व्हीकल टाइप, इस तरह से। और स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन, इस तरह से। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है जिसके अंदर हम वैल्यू को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फी के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले कि आप चाहें तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोड की रीडेबिलिटी पे असर ना हो, तो इसलिए मैं शुरू में बना रहा हूँ इंट फी। ओके, इस तरह से। अभी इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, तो नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कीवर्ड जो कि है स्विच। ओके, उसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं जिसको हमने मैच करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास व्हीकल टाइप है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम यूजर से लेंगे हम उसे मैच करेंगे। कैसे, यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफ कोड शुरू करेंगे और यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे। नंबर वन केस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं तो हम डबल कोटेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार, उसके बाद कॉलन और यहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। अब होगा क्या कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे उस वैल्यू को हम मैच करेंगे कार के साथ। अगर ये दोनों आपस में मैच हो जाती हैं तो यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे ये आउटपुट में शो हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखते, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम फी के अंदर ना वैल्यू स्टोर कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 5 की उसकी वैल्यू है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे। रिमेंबर, आपने ब्रेक कीवर्ड को लाजमी यूज करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी केसेस होंगे आपके वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जिस वैल्यू के साथ, जिस केस के साथ हमारी वैल्यू मैच हो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाए। ओके, इसके बाद एक और केस यहाँ पर बनाते हैं, केस, और यहाँ पर हम वैल्यू सेट करते हैं फॉर अ बस, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसकी फी, इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं 10। ओके,
अब यहाँ पर भी हम ब्रेक का यूज करेंगे। उसके बाद हमें एक और केस चाहिए, केस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रक, यहाँ पर कॉलन का यूज करना है हमने, और उसके बाद एक सी के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 40 इस तरह से। उसके बाद ब्रेक, अब हमें चाहिए एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अगर हमारी वैल्यू इनमें से किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती तो हमें यूजर को एक मैसेज शो करा रहा है, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं, डिफॉल्ट, यहाँ पर भी हम कॉलन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक मैसेज शो करा देंगे एस आउट का यूज करते हुए। यहाँ पर हम लिखते हैं अननाउन व्हीकल टाइप, ओके, इस तरह से। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने एक और स्टेटमेंट लिखने है जो कि हमने इस स्विच की बॉडी के बाहर आके लिखनी है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम प्राइस शो कराएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं पार्किंग फी फॉर, अब यहाँ पर हमने व्हीकल टाइप लिखनी है तो जो वेरिएबल में वैल्यू हमने यूजर से ली थी वही हम यहाँ पर सेट कर देंगे, लेकिन ये डबल कोटेशन में नहीं होनी चाहिए इस तरह से। उसके बाद दोबारा से कंकेटिनेशन करेंगे और यहाँ पर हम फी लिखेंगे डबल कोटेशन, और इसके अंदर हम यूज करेंगे इस, यहाँ पर डॉलर का साइन क्योंकि हम डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं उसे। उसके बाद दोबारा से प्लस का साइन और यहाँ पर फी के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पर हम सेट कर देंगे। चलिए अब एक बार इस कोड को हम रन करते हैं और यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, अगर इस पर होवर करें तो वेरिएबल फी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0 इस तरह से। अब ये जो एरर है यहाँ पर शो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं इसको हम रन करते हैं। ओके, मैसेज शो हो रहा है एंटर व्हीकल टाइप, तो मैं लिखता हूँ कार, एंटर, तो यहाँ पर देखें मैसेज हो रहा है पार्किंग फी फॉर कार इज $5। इसी तरह से दोबारा अगर इस कोड को रन करें, एंटर व्हीकल टाइप, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोट, सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो काम करता है या नहीं करता, एंटर। अब यहाँ पर देखें अननाउन व्हीकल टाइप और साथ में पार्किंग फी फॉर बोट इज $0, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस किस्म की कोई व्हीकल टाइप है ही नहीं जिसे हम अपने पार्किंग में रख सकें। तो इस तरह से जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर स्विच को यूज़ करना बहुत अच्छा होता है और बहुत सही होता है। इससे क्या होता है, हमारा कोड जो है वो रीडेबल होता है, कोई भी आए तो इसे आसानी से पढ़ सकता है। अगर हम इफ एल्स को यूज़ करें मल्टीपल कंडीशंस के अंदर तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारे इफ एल्स आ जाते हैं जिनको समझना, जिनको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।